पूर्णिया के मरंगा थाना अंतर्गत हरदा बाजार के समीप दो पक्षों में जमीनी विवाद इतना बढ़ गया है कि यहां किसी भी समय मामला मारपीट तक पहुंच सकता है। दरअसल दो डिसमिल जमीन का कागजी मालिकाना हक नीलम देवी के पास है और उसका पति भोला मेहता जमीन पर अपना कब्जा कायम करने के लिए सारे कागजात के साथ नापी करवाने सरकारी अमीन को लेकर पहुंच गए, किंतु उस जमीन से सटे हरदा निवासी अशोक शाह का घर भी है, जिसका दावा है कि जमींदार ने उनसे जमीन देने का वादा किया था और वहां उनका पुश्तैनी घर भी बना हुआ है और भोला शाह ने जानबूझकर विवाद खरीद लिया और उसे तरह तरह के मामले में फंसाकर परेशान कर रहे हैं। और 3 मई को बिना पुलिस के नापी करने एवं घर को बनाने वे पहुंच गए। विरोध करने पर महिलाओं के साथ मारपीट भी की गई। वहीं अशोक शाह की मां ने भी इस संदर्भ में कहा कि भोला मेहता एवं कपी मेहता के लोगों ने महिलाओं के साथ मारपीट की है। ये ना नापी करिए, चिन्हा दीजिए कहां से क्या है। इतना बात बोलते हुए इसका जितना था लठेरी सब अंगना घुस गया। कपी मेहता बोला नापी हो गया है, 72 बार नापी होगा। बेटी था, पुतौ था, सबको मार को गिराया है। बड़की बेटी को हमको गोबर में घुसा घुसा के मारा है। बड़की बेटी के आए हमें बोला था देखिए अगर गोबर में कैसे करके मार मारा है, हमको गिरा करके यहाँ लकड़ी की दुकान में हमको मार मारा है। देखिए बड़की बेटी की दशा कैसे करके मार मारा है इसको। नापी नहीं होने दिया। अमीन साहब तुरंत गाड़ी पर चढ़ को भाग गया। अचानक विवाद जो हुआ वो कर्ची हटाने से हुआ या फिर बोलने से हुआ? कर्ची घिस रहा था। हम कहें सर आप जो नापी करने आए हैं नापी करके आप चिन्हा दीजिएगा तबे ना किला खुट्टा करेगा। देखिए नोच नाच कर रहा है, हटा रहा है सब। इतना बोलना देरी की नापी साहब को कोई दिक्कत नहीं ना था? कोई दिक्कत नहीं था, नापी हो जाता बात खत्म था। नापी होने नहीं दिया। इतना तो बुत्ती लगाया, 7-8 गो लाठी लग गया, बेटा को डंगाया, छुटका के मारा, बेटी को मारा, हमको मारा। मेरे पे फर्स्ट में इन्होंने जमीन पे आया वो लोग सभी आदमी आज से 5 साल पहले। आने के बाद सर बोला कि मेरा जमीन बाबू तुम छोड़ दो। हम बोले चाचा जी 2002 में आप मेरी माँ से मेरे बाबूजी से बोले थे पंचायत चुनाव में भाभी हम खड़ा हैं ये जमीन का लेकर के, काहे आप लोग मुंह फुलाए हैं, आपको दे देंगे, आप लोगों के आशीर्वाद से हमको 90 लाख संपत्ति है भाभी, हमको वोट दीजिए आप लोग बाद में दे देंगे। यहाँ पे आने के बाद जो है अमीन साहब आए, मेरी माँ और हम, मेरी माँ गई कि सर आप तो आदेश लेके आए हैं घर द्वार हटाने का क्या? तो नहीं, हम नापी करने आए हैं। तो सर नापी कर लीजिए, हमको भी नोटिस मिला है, हम भी मेरा बेटा रिसीव किया है, हम न्यायालय का पालन करते हैं, आप चिन्हितन कीजिएगा। तो बोले हाँ। तो सर ये पिलर खुट्टा ये बांस सब क्यों आया है, इतना आदमी क्यों आया है? तो नहीं, हम तो चिन्हित करेंगे, नापी करेंगे, हम तो घर बनाने के लिए नहीं आए हैं, ना उजारने आए हैं, हम नापी करने आए हैं। अमीन साहब ने बोले हमसे, मेरी माँ से। इतने बात में कपिल बाबू ने आदेश देता है वो अपने भाई को, अपना चचेरा भाई को, क्या देखता है ये लाठी का मार, इसको चाहिए, इसको मार करके गिरा। माँ को मेरा वहीं पर से धक्का मार करके। कितने लोगों को मारा आपके घर में? मेरी माँ को मारे हैं, मेरा भाई को, हमको मारे हैं सर, मामी को। मेरा मामी आई हुई है 2 दिन से पूर्णिया ट्रीटमेंट के लिए, मेरी मामी को मारा। मेरी बड़ी सिस्टर विधवा है मेरे घर में, उसका घर वाला छोड़ दिया है सर, वो बहन को मारा है, मेरा वाइफ को मारा है सर। मारने में मुख्य रूप से कौन कौन? मुख्य लोग थे भोला बाबू, कपिल बाबू के बड़े भाई दिलीप मेहता, सदानंद मेहता, उसका 2 भतीजा है वो थे। कपी बाबू का आदेश अनुसार पर उन लोग जो है मेरे घर में घुस करके मारे हैं और माँ को यहाँ मारे हैं। अभी पुलिस आई थी क्या हुआ? जी पुलिस अभी आए, पुलिस बोले कि आप जो है रिपोर्ट थाना को हमको लिख करके दीजिए। हम ले ठीक है हम देते हैं। देखा जाए सर यहाँ पे लाठी सर पे मार रहा था, ऐसे किए आप, जब ये सूजन होते जा रहा है, फूलते जा रहा है सर मेरा। इस संदर्भ में भोला शाह ने कहा कि वे केवल जमीन की नापी करवाने पहुंचे थे, जिसके लिए पूर्णिया सीओ की ओर से सरकारी अमीन भी नियुक्त किया गया था और नापी में बाधा उत्पन्न करने के लिए अशोक शाह के घर की महिलाओं ने ही विवाद खड़ा किया है। इससे पहले एक बार नापी का ये जमीन मेरा केवाला खरदावा मेरा भाई का है, भोला प्रसाद मेहता का, वो पत्नी के नाम से लिया था। तो 1997 में रजिस्ट्री हुआ है, उसका मोटेशन हुआ था, मोटेशन होने की रसीद कट रहा था। इसके बाद जो है चकबंदी आ गया, चकबंदी आया तो उसमें भी रसीद कटा,
16-17 का भी कटा हुआ रसीद है। इस नापी का डेट जो पहला डेट निर्धारण हुआ सर, वह हुआ था 9/2/18 को, उसमें नापी के लेने आया तो ये लोग फिता होता फेंक दिया। अमीन साहब कहने हम इसका जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है इसको आप चिट्ठी लिखिए और उसको दूसरा नोटिस करते हैं, तब आकर हटिया दिन दूसरा दिन एक बार और नोटिस पढ़ा, लेकिन वो हार्ड डे पड़ता था, उसको भी कैंसिल किया। तो कल का डेट जो है क्या कहते हैं, आज का डेट जो है अमीन साहब के मैंने क्या कहते हैं अनुशंसा करने पर तो सीओ साहब ने दूसरा डेट को बढ़ा दिया, उसमें कल का डेट था, आज का डेट है 3/5 का, 3/5 तो उसी में कर्ची उर्ची लगा हुआ रखा हुआ था, उसको नापी करने की जगह बना रहे थे इसी में। उधर ये लोग सवाल हमारा जी है कि जिस तरह से आप लोगों को डेट आज का दिया जी, गया जी, और आपको पता भी है पहले से कि यहाँ विवाद होने की संभावना है जी सर, जी लोग विवाद कर सकते हैं जी जी, तो आप सिक्योरिटी के तौर पे पुलिस, हाँ पुलिस को इन्फॉर्मेशन था सर, पुलिस भी आया था यहाँ पर। तो ये कर्ची हटाने का जो काम आपने शुरू किया तो पुलिस के मौजूदगी में हुआ या फिर पहले या बाद में हुआ? नहीं वो तो पहले कर, वो वही आए ना जगह साफ करने के लिए, उसी में लोग विरोध कर दिया। आपने उसके लिए पुलिस से संपर्क किया? संपर्क भी किया, पेटिशन लिख कर दिए। बावजूद पुलिस के आने से पहले आपने अपने से काम, हम अपने से क्यों शुरू करने किया तब फिर? क्या वहाँ से अमीन जब आया तो वो उसका अपने से कर्ची हटा रहा था? नहीं नहीं अमीन आया, पुलिस आया, पुलिस तो रोड पर था सर, वहाँ तो फोर्स उसको दिया, उसको वहाँ से भेजा, उसी के बाद यहाँ आए तो इसी बीच में किचकिच हुआ तो हम लोग छोड़ दिए काम को, रोक दिए उसको। रोकने के बाद तब ये लोग जो है आया दरोगा तो बोला कि आप लोग कागज पत्र लेकर आइए थाना, तो हम लोग अब थाना जाएंगे, देखते हैं क्या कहते हैं वो करिए। लेकिन हमारा यही सवाल है आपसे कि जो भी विवादित जगह है अगर वहाँ कुछ बड़ा होने की संभावना होती है, कुछ विवाद होने की संभावना होती है, मामला पुलिस में है तो पुलिस को वहाँ मौजूद रखना आपको जरूरी था, लेकिन पुलिस के आने से पहले नहीं, पुलिस आ गया था सर, पुलिस तो फोर्स लेकर वो आया था रोड पर था, वो आने वाले थे उसी समय, इतना बात रुका तो हम लोग रुक गए, बातें खत्म। शुरू कर दिए? शुरू कहाँ के है, अमीनों कहा तो उसमें नापी कहाँ शुरू हुआ? कितना जमीन का मामला है ये? 2 डिसमिल का है सर। कितने दिनों से चले ये आ नहीं रहा, इधर 97 में खरीदा गया था सर, खाली जमीन है, ये घर बनाना चाहिए भाई है, ये घर बनाना चाह तो ये लोग विरोध करने लगा। नहीं मारपीट भी हुई है? नहीं नहीं मारपीट नहीं हुआ सर, मार कहाँ से हुआ, मार कैसे होगा सर, ये तो बात बताते हैं, मार का है ना, अब झूठे बोलता तो उसको हम क्या करेंगे सर, बोलिए तो। वो अमीन साहब आया है तो कहा कि कंटा कर्ची तर्जी हटा दीजिए थी करे, तो इसी पर उसका माँ फिता उसका घींच लिया, जब घींच लिया कौन हटा रहा था? हमारा लेबर सर कि कहा कि साफ कर दीजिए तब घिंचने में ठीक रहेगा। बात पूछ रहे हैं आपसे, जब आपने सारा कुछ को देखते हुए पुलिस का भी डिमांड किया जी, और पुलिस जब तक नहीं आई तो उससे पहले आप लोग अगर उसमें शुरू कर दिए तो ये देखिए, हम लोग सोचे कि यह तो खाली जमीन है इसलिए अभी तत्काल इसको नापी किया जाए, पहले सबको पता, पहले से नहीं विवाद, वो तो घर लेकर जमीन लेकर, जमीन लेकर है और कुछ नहीं, नापी में कोई विवाद नहीं था, नापी में कोई विवाद नहीं था, वही खाली विवाद नहीं था तो इतना कागजी प्रोसेस क्यों करना पड़ा? नहीं नहीं नापनी नापी करने के लिए आया, नापी करने के लिए और नहीं दिया, फिता फेंक दिया, इसका मतलब विवाद था जी। हाँ इसके बावजूद आप लोगों ने बगैर पुलिस के, पुलिस आया था कि पुलिस आया सर बाद में 10 मिनट या 5 मिनट ऐसे होगा। बहरहाल दोनों पक्षों के बढ़ते विवाद को देखते हुए तत्काल स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत भी कराया। बहरहाल दोनों पक्ष एक बार फिर से इस मामले को लेकर पुलिस के पास गए हैं और पुलिस की नज़र इस मामले पर टिकी हुई है, किंतु इस मामले का अस्थाई निदान कोर्ट के फैसले के बाद ही हो सकेगा।